साथियों, आज भारत के सामने बहुत बड़ा अवसर है। आज से 100 साल पहले, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, आज से 100 साल पहले जब भारत आजादी की जंग लड़ रहा था, तो वो पिछली शताब्दी का तीसरा दशक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1923-1930 का वो कालखंड याद कीजिए। पिछली शताब्दी का तीसरा दशक भारत की आजादी के लिए बहुत अहम था। इसी प्रकार 21वीं सदी का ये तीसरा दशक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में ललक थी, लक्ष्य था स्वराज्य का, आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। उस तीसरे दशक में देश आजादी के लिए निकल पड़ा था, देश के कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई देती थी, स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं, सभी विचार, चाहे वो क्रांति का मार्ग हो या असहयोग का मार्ग हो, सारे मार्ग पूर्ण रूप से जागृत थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। इसी का परिणाम था कि इसके 25 साल के भीतर भीतर देश आजाद हो गया। आजादी का हमारा सपना साकार हुआ। और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देशवासियों ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है। और साथियों, मैं अनुभव से कहता हूं, मैंने एक के बाद एक सफलताओं को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने देश की शक्ति को भली भांति समझा है, देश के सामर्थ्य को जाना है, और उसके आधार पर मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, भारत मंडपम में खड़े होकर के ये सुख के जनों के सामने कहता हूं, भारत विकसित हो सकता है, अवश्य हो सकता है। भारत गरीबी दूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। और मेरे इस विश्वास के पीछे जो आधार है, वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 5 साल में। और भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि भारत में अति गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो खत्म होने के कगार पर हो रहे हैं। यानी बीते 9 वर्षों में
देश ने जो नीतियां बनाई हैं, जो निर्णय लिए हैं, वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं।